सबसे पहले आपको माई जियो ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पर वो आपको गूगल प्ले स्टोर से नहीं करनी है, क्योंकि जो गूगल प्ले स्टोर पे है वहाँ पे वो नई वर्जन है, जो ये कोड जनरेट होगा ये 3G या 2G फ़ोन में वो पुरानी ऐप से होगा। वो पुरानी ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी है माई जियो ऐप, ये रही, इसे खोलो। उसके बाद आपको इंस्टॉल ऑल जियो ऐप्स पे तो क्लिक करना है, जैसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है इसमें इनका ऐड आया, तो उसके बाद आपको ये सारी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल जियो ऐप्स पे करने के बाद बोला ये कंफर्म करना है कि सबके ऐप के नाम के आगे ओपन का ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि ये इसको लगेगा कि सब ऐप इंस्टॉल हो चुके हैं। मेन काम क्या है कि ये ऐप सारी इंस्टॉल होनी है, ठीक है ना। अब है कि बार कोड जनरेट कैसे होगा। सबसे पहले आप अपना डाटा ऑफ कर दीजिए, जो मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा था मैं वाईफाई ऑफ कर रहा हूँ। अब इसके बाद आपको ये ऐप बंद करनी है, ऐप बंद होगी। अब फिर इसका डाटा क्लियर करना है, माई जियो ऐप का डाटा क्लियर करना है, तो माई जियो ऐप को टैप करा और ऐप इन्फो पे करा। आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स में जाकर ऐप में भी कर सकते थे, क्लियर डाटा कर दो इसको। ध्यान रखे भी नेट ऑफ ही रखना अभी फ़ोन का। तो माई जियो ऐप खोलो दोबारा, इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है और सारी ऐप इंस्टॉल्ड है माई जियो की। तो माई जियो के आगे ओपन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। अब देखो आ गया ना गेट चूसिंग का ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, इस वक्त आपको नेट खोल देना है यहीं पर, मैं वाईफाई से कनेक्ट कर दूँगा। देखो हो गया कनेक्ट, और ये नो इंटरनेट कनेक्शन जाते के एकदम साथ ही गेट जियो पे करना है, गेट जियो सिम पे। देखो हो गया एग्री एंड गेट जी ऑफर, तो सिलेक्ट स्टेट सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट स्टेट, ओहो सिलेक्ट स्टेट उत्तर प्रदेश सिटी, कोई भी सिलेक्ट कर लो, तो मेरठ ले लो, नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो ये आ गया बार कोड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब बस बार कोड जनरेट हो गया। ये तो था सिंपल मेथड कि एक फ़ोन से बार कोड कैसे जनरेट होगा, या वो 2G है 3G है 4G है। इस मेथड से आप कोई सा भी फ़ोन हो उसमें बार कोड जनरेट कर सकते हो, पर शर्त है कि वो फ़ोन एंड्रॉयड होना चाहिए। मेन बात है कि फ़ोन रूट होना चाहिए। अब जैसे मैंने अपना फ़ोन रूट कर रखा है, आपको अपना फ़ोन रूट करने के लिए गूगल पे डालो ये यूट्यूब से वीडियो देखो, बोला कैसे भी करके अपना फ़ोन रूट कर लो। और रूट करने के बाद ये एक्सपोज इंस्टॉलर जो होता है, ये एक्सपोज इंस्टॉलर आपको दिख रहा है नीचे, इसे इंस्टॉल कर लो। ये भी आप गूगल से देख सकते हो, यूट्यूब से देख सकते हो कैसे इंस्टॉल करूँ। रूट होने के बाद, एक्सपोज इंस्टॉलर होने के बाद आपको डाउनलोड करना है ये IMI चेंजर। ये थर्ड रो में आपको दिख रहा है IMI चेंजर, IMEI चेंजर, इससे आप कर गए खोल गए। देखो इसमें आपका करंट IMEI नंबर जो है वो ऊपर है, जो नया IMEI नंबर है ये यहाँ पे है। तो आप यहाँ से रैंडम आप जो न्यू IMEI नंबर है इस पर जाकर आप कुछ भी रैंडम कुछ भी IMEI नंबर डाल सकते हो, जो
जो भी डालोगे वही सेट हो जाएगा। ये डाल दिया मैंने। इसमें लिखा है रिबूट टू अप्लाई सेटिंग, पर इस जो MI चेंजर है ये वाला, इसमें रिबूट करने की जरूरत नहीं होता, वो पहले ही चेंज हो चुका है। आपको दिखा दूं मैं, देखो वही हो गया ना जो भी मैंने डाला था नया। दोबारा दिखाता हूँ, जाइए जाइए, अभी जो एक्टिवेटेड है वही वाला है 4683487, ये वाला जो मैंने अभी स्टार है 06 से दिखाया था। मैं आपको दोबारा चेंज करके दिखाता हूँ, तो कुछ भी रैंडम कुछ भी डाल दिया, थोड़ा सा देखने में आसानी होगी। अप्लाई कर दिया, अब जाइए स्टार है 06 है, तो कोई हो गया ना चेंज। अब IMEI नंबर चेंज हो चुका, मतलब जो ये वाली ऐप है IMEI चेंजर, ये एक्सपोज्ड इंस्टॉल होने के बाद ही चल पाएगी, क्योंकि एक्सपोज्ड में जाके मॉड्यूल्स होता है, वहाँ पे जाके से टिक करना पड़ेगा, IMEI चेंजर करके टिक है, टिक करने से ही उसको परमिशन मिल पाएगी IMEI नंबर चेंज करने की। और ये एक्सपोज कैसे इंस्टॉल होगा, एक्सपोज तभी इंस्टॉल हो पाएगा जब तक आपका मोबाइल रूट है, मतलब कि एक्सपोज इंस्टॉल करने के लिए आपको अपना मोबाइल रूट करना पड़ेगा। रूट करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, वीडियोस देखनी पड़ेगी, मतलब हो जाएगा, सिंपली रूट हो जाएगा। रूट होने के बाद तो कोई मैटर है ही नहीं फिर। अब आप IMEI चेंजर से IMEI नंबर चेंज कर दिया मैंने अपना। अब आप माई जो ऐप, मतलब अनलिमिटेड कोड जनरेट करना है, इसके लिए अब आप माई जो ऐप को का डाटा क्लियर करो दोबारा। क्लियर डाटा, हो गया। अब फिर से आपको नेट ऑफ करना पड़ेगा, उसके लिए नेट ऑफ ही करना पड़ेगा। दोबारा खोलो माई जो ऐप, ये सभी ऐप पहले से ही इंस्टॉल्ड है। अब माई जो ऐप पे ओपन पे कर दो, वही प्रोसेस दोबारा, गेट जियो सिम आ गया दोबारा, और नेट ऑन कर दो, वो नो इंटरनेट कनेक्शन जाने का वेट करो, एक दिन जाते के साथ ही क्लिक कर दो गेट जियो सिम पे। देखो फिर से नया आ गया, अब मैं सिलेक्ट स्टेट उत्तर प्रदेश, सिटी कोई भी सिटी मेरठ सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं अभी, मेरठ, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हो गया जनरेट। इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट। तो मतलब इसी तरह आप अनलिमिटेड कोड जनरेट कर सकते हो, बस आपको बार बार IMEI नंबर चेंज करना है। वो बहुत सिंपल तरीका है IMEI नंबर चेंज करने का, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। पर उसके लिए आपको फ़ोन रूट मस्ट है, फ़ोन को रूट करना है, केवल यही थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा इस प्रोसेस में कि आप अपना फ़ोन कैसे रूट करोगे। उसके बाद आप बार बार अपना IMEI नंबर चेंज करो, जैसे कितने सिंपल तरीके से हो रहा था, उसके बाद कितने ही कोड जनरेट कर सकते हो अनलिमिटेड। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने पहले जो कोड कोड बनाया था और जो अब वाला कोड है वो डिफरेंट। स्क्रीनशॉट लास्ट टू स्क्रीनशॉट है, देखो जो अभी है लेटेस्ट वाला वो 2431 है लास्ट में, और ये वाला 6377 है। तो दोनों कोड डिफरेंट है, तो मतलब दो कोड जनरेट हो गए। ऊपर आप टाइम भी देख सकते हो, 629 है ये